पकड़ के खा रहे हैं। तो आजकल में जो पचगोटिया होता है इस तरह से छोटे छोटे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी शाम का बज रहा है 4 और अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं और घर का सारा काम हो चुका है और मकई जितना हमने इतना सारा लाकर रख दिए हैं। और आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, मेरी बड़ी दीदी आई है हमारे घर में, तो यहाँ पर बैठी हुई हमने बैठा दिए हैं, ये देखिए। तो ये मेरा भैगना बाबू यहाँ पर, तो हम प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम करते हैं दीदी, तो आशीर्वाद दे रहे हैं क्यों भैगना बाबू? देखिए हाँ, प्रणाम करते हैं, भैगना को प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ पर हम पानी और फूल का थारी ले लिए हैं, चलते हैं अब धोने के लिए। तो यहाँ पर दीदी हैं तो हम धो लेते हैं। और बाबू के चलिए यहाँ पर पैर लगाइए। हाँ घर जाए के देखब हो हम इनका वीडियो ने। हाथ हमने दीदी को धो दिए हैं और सामने वाला बड़ी मम्मी के दुकान है छोटा सा, तो चलते हैं वहीं पर मिक्सचर और बिस्कुट खरीदने नाश्ते के लिए। यहाँ पर है मेरा पैसा, तो जा रहे हैं। चारू भी आने के लिए खोज रही है, तो चारू को हम फिर से घूर कर आ रहे हैं लेने के लिए। तो दुकान घर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर है बड़ी मम्मी, ये रहा दुकान। तो एक ठो मिक्सचर एक ठो बिस्कुट दीजिए। ये देखिए हम ले लेते हैं मिक्सचर और बिस्कुट दीजिए, अब चलते हैं घर। पहुंच चुके हैं घर और घर में आने के बाद में अभी हम प्लेट में लगाएंगे बिस्कुट और मिक्सचर को। तो यहाँ पर चारू पकड़ कर बैठी हुई है खाने के लिए, दो यहाँ पर लगाएंगे ना डुभा में। तो हमने यहाँ पर दो कटोरी में निकाल लिए हैं और ये रही चारू, खा रही है, हाथों में पकड़ ली है, खा जा। हम इनके लिए नाश्ता ले आए हैं क्योंकि बहुत ही दूर से आए हुए हैं, तो दे देते हैं नाश्ता। तो पहले सबसे पहले पानी दे लेते हैं, देखिए पैर हाथ धोया उसके बाद में नाश्ता लग दो, और हाथ धोएंगे उसके बाद में, हाथ धो लेंगे उसके बाद में नाश्ता देंगे हम। तो अब हम नाश्ता दे देते हैं। तो ये जो हमने मिक्सचर और बिस्कुट ले आए थे तो खाते हैं आप लोग, खिला देते हैं। और चाय बनाने के बात की तो चाय बोले कि नहीं नहीं चाहिए, चाय हम नहीं पीते हैं कह के, तो नहीं पीते हैं तो नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम दीदी को नाश्ता वगैरह सभी कुछ दे दिए और दीदी तो अभी गए हैं गांव तरफ घूमने के लिए। तो अभी हम खाना बनाएंगे, तो खाने में दाल भात बनाते हैं और आलू का चोखा। यहाँ पर देखिए सभी को हैं बैठे हुए, चारू चारू दादी, और यहाँ पर मम्मी का काम हो रहा है। ये देखिए महुआ, देसी महुआ का बन रहा है दारू, दारू हम लोग भी बनाते हैं। तो चलिए अब खाना भी बनाना शुरू करते हैं क्योंकि शाम अभी बज रहा है 5, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर चूल्हा तो धरा लिए हैं, तो अब डेगची में अदहन बैठाना होगा। तो ये रहा मेरा डेगची, इसी में हम लेप लगाएंगे इधर और अदहन बैठाएंगे। पर लेप लगा दिए हैं डेगची का, तो अब हम पानी इसमें डाल देंगे यहाँ पर और अदहन बिठा देंगे। तो डेगची को हम चढ़ा दिए हैं यहाँ पर, पानी डाल देते हैं। तो पानी हमने डाल दिए हैं, अब इसको ढक्कन ढक देते हैं और हल्का सा सुसुम होने देंगे तो ही हम दाल को डालेंगे, नहीं तो ऐसे कच्चे पानी में नहीं डालते हैं, नहीं तो दाल हमारा नहीं पकेगा। चलते हैं पानी लेने, शाम का टाइम हो रहा है और पानी हमने नहीं लाए थे क्योंकि दीदी आ गई थी, तो बात करते ही हमारा ज़्यादा टाइम पास हो गया, तो पानी हमने नहीं लाने पाए थे, सिर्फ एक डेगची लाए हैं और नहीं लाने पाए थे। तो अभी जा रहे हैं बड़ा वाला डेगची पकड़कर। और देखिए मेरी बकरियाँ, यहाँ पर शाम हो चुका है तो बाबू ला करके बांध दिया है, और देखिए मम्मी भी वहाँ टंकी पर जा रही है तो हम ही चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे सब आ रहे हैं कोचिंग पढ़ के, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। कै बज गया, कै बजे छुट्टी मिलता है? 5 बजे। 5 बजे हाँ। अच्छा से पढ़ाई की ना? हाँ। तो देखिए अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं और चल आए हैं सभी को, तो अपने घर जा रही है। तो चलते हैं अब हम, यहाँ पर पानी ले लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी मतलब कि मम्मी आई थी और पानी लेकर के जा रही है, यहाँ पर एक मेरी भतीजी भी आई है, तो हम ही ले लेते हैं पानी में यहाँ डेगची में। देखिए यहाँ पर भर रही है,
सारा काम हो गया, कर ली। हाँ, इसका मम्मी नहीं है, चल गई है काम करने के लिए। मतलब कि आजकल काम का दिन है, गांव में बहुत सारा काम मिलता है मकई फाड़ने का, तो इस चलते इसका मम्मी काम करने चल गई, तो घर का सारा काम ये कर देती है, क्योंकि अब करने के जैसा हो गई है, बड़ी हो गई है तो कर देती है। तो यहाँ पर देखिए पानी इस तरह से डील जाता है, इस चलते हम ऐसे टांग करके भर रहे हैं, नल को खोल दिए हैं, तो हम पूरी पानी भर लेते हैं, उसके बाद में घर जाकर मिलेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं घर, देखिए अभी भतीजी भी आ गई है पढ़ाई करके, यहाँ पर है। तो अब हम पानी को उतार लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है। और देखिए मेरा चूल्हा का हालत, अभी तो धर रहा है चूल्हा, लगता है पानी गर्म भी हो गया होगा। तो हम पानी को सबसे पहले उतार लेते हैं, उसके बाद में दाल को डाल देंगे। दाल अब हम डालेंगे इसमें, तो मेरा दो काम होगा, यहाँ पर मेरा दाल है और आलू है, तो दाल आलू को हम दोनों साथ में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए यहाँ पर है, तो इसको हम, ये जो आलू का छिलके हैं इसको हम छील लेंगे इसको, और दाल को हम धो करके डाल देंगे। तो इसका छिलके जो है हम हटा लेते हैं, आलू का छिलका हमने हटा दिए हैं। अब हम इसको, आलू और दाल को दोनों को धो लेते हैं। यहाँ पर मेरा पानी है तो धो लेते हैं इस तरह से। आलू को हमने धो लिए हैं और आलू को तीन चार बार रगड़ के यहाँ पर अब हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को डाल लेते हैं। को हमने डाल दिए हैं, अब डाल देते हैं दाल को। तो यहाँ पर हमने दाल और आलू को डाल दिए हैं, तो अब हम डाल देते हैं नमक को, और इसका अब हम ढक देते हैं ढक्कन। तो उधर में मेरा दाल और आलू अच्छे से पकते रहेगा, तब तक यहाँ पर हम भतीजिन का कुछ थोड़ा हेल्प कर देते हैं। यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठी हुई है, ये देखिए, तीन अक्षर लगेगा काली, तो चारू का चार में से बोलो, दो कट लो, चारू बोल दो बेटा, ख, उसके बाद में हिटंग जाती है, बोलने लगती है। मन रहता है तो पूरा बोलेगा, नहीं मन रहेगा तो कुछ भी नहीं बोलेगी। तो दाल हमने चढ़ा दिए हैं और दाल उधर पक रहा है, और यहाँ पर चूल्हा खाली हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग सभी कोई मकई पका पका के खा रहे हैं। तो आजकल में जो पचगोटिया होता है इस तरह से छोटे छोटे, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, इस तरह से रहता है, तो हम लोग पचगोटिया बोलते हैं और खाते हैं। तो चारों भी यहाँ पर डंटा लेकर आई हुई है, तो तुम चलाने नहीं सकेगी, अंगूर है यहाँ पर, भतीजी है, बाबू है, हम है, और पका रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए एक तरफ जल भी गया, अच्छा से नहीं पक रहा, धुआं लग रहा है बेटा, तुम नहीं सकेगी रे, इसको निकाल के फेंको बाहर, यही वाला धुआं लग रहा है बेटो, साथ में ही मिलेगा ये मकई गादर वाला। तो इस चलते हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना पच गोटिया है, तो अभी पका के भर मन भर खा ले। तो इस तरह से अंगूर निकाल लेते हैं। तो दाल तो हमारा पक ही जाएगा और हम लोग खाना वाना खा करके सो जाएंगे, लेकिन आप सभी को हम सच बात बताने वाले हैं कि मतलब दीदी जो आए थे, क्या वो मेरा अपने हैं या तो फिर चारू का पापा का दीदी है, ये बात हम आप सभी को बताना चाहते हैं। और अभी तक शाम हो गया है, तो दीदी अभी तक घर नहीं आई है, मतलब कि उधर ही पड़ोस में है। तो दीदी जो है मेरी अपनी नहीं है, और है तो चारू का पापा का, बड़ी मम्मी का बेटी है, और आई है बहुत दिनों बाद। तो हम लोग को भी दिल से खुशी मिला कि हाँ, और आप सभी को हम बताए थे कि मेरी कोई ननद नहीं है और चारू पापा का कोई अपनी बड़ी दीदी नहीं है, तो बड़ी मम्मी का बेटी है। तो आई तो मेरे घर में भी आई, बहुत ही खुशी मिला, और खाना भी हमने बनाने के लिए मतलब सोचे तो चांदवा हमको जाना पड़ा था, ये सब मतलब कि मेहमान आ जाने पर में, तो मेहमान आने पर में तो चिकन मटन ये सब बनता है, लेकिन हम लोग सब नहीं बना रहे हैं, लेकिन बीफे मतलब कि शुक्रवार का दिन तक में रहेंगे, तो बीच में हम एक बार बनाकर खिलाएंगे। तो अभी हम दाल भात हम लोग घर के लिए, परिवार के लिए, अपने ही परिवार के लिए बना रहे हैं, और बड़ी मतलब कि दीदी जो आई है वो अपने माँ के घर तरफ ही खाना खाएंगे। तो यही बात हम आप सभी से कहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि
आप सभी कमेंट करेंगे कि सोना जी क्या ये अपना दीदी है या तो फिर चारू का पापा का दीदी है। तो हाँ, चारू का पापा का दीदी है। तो मेरे ही डेढ़ सास लगे, हम लोग डेढ़ सास बोलते हैं जब मतलब कि हमसे मतलब चारू पापा से बड़े होते हैं तो हम लोग डेढ़ सास बोलते हैं, तो वही है। तो चारू का अपना फुआ बोल दीजिए उसको। तो चलिए, ब्लॉग को हम मीट नहीं रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।